वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुनारी ग्राम सभा में कोविड 19 वैक्सीन के लिए सुबह से लंबी कतारें लगने लगी। वहीं ज्यादा भीड़ देखते हुए पुलिस प्रशासन को अवगत कराना पड़ा, जिससे तत्काल मौके पर दो पुलिस वाले ड्यूटी पर लगाए गए। तब जाकर क्रमशः टीकाकरण का कार्य संपन्न हुआ। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर मुख्य अधीक्षक आरवी यादव ने बताया कि 4600 लगभग टीकाकरण कराया गया है। मैं हूं दुर्गेश कुमार यादव, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड 24/7 hours। इस समय हम वाराणसी जिले के चोलापुर ब्लॉक के बरथरा खुर्द ग्राम सभा में उपस्थित है। यहाँ पर जो 2-3 दिन से वर्षा लगातार हो रही है, वहाँ पर ग्रामीणों में ये देखा जा रहा है कि जिसको पास आवास नहीं है, कच्चा घर में रहते, उनका कच्चा घर गिर गया है और गिरने के कगार पर है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भी है, जिन लोगों के पास आवास नहीं है अब सबसे क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे, वे अपने जान जोखिम में डाल करके कच्चा मकान में ही रह रहे हैं। आइए उसका हम कुछ नमूना दिखाते हैं आपको और बातें करते हैं। रुके एक मिनट, हाँ बोलिए। आप मत माइक पकड़े हैं, बोलिए। हमारा घर गिर गया है, हमारा पति आप, आपका नाम क्या है? सुमन देवी हमारा नाम है। हाँ हाँ। हमारा पति का नाम दीपक है। हाँ। वो काका अब सामने तक इसमें सुना देगा। वो घर गिर गया, हम बकरी लेकर रात कर लाइन रही, लाइन में हम दोनों लोग फोटो आपसी हमारे से बच गए। ये हो के कहा हम भाग कर जाए, हमारे पास घर द्वार नहीं है, क्या करे, आप जो सोचे वो बताइए। ग्राम प्रधान द्वारा क्या कह दिया गया? ग्राम प्रधान द्वारा कहा गया है कि अभी रुकिए, बस देंगे बाद में। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है? अब वो जो सोचे वो समझे। आप लोगों के पास पक्का मकान नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? नहीं। आप लोग खाना वाना, आप लोग इसमें कैसे रहते होंगे? कैसे रहोगे, वही खुदा घर है। आप लोग गैस चूल्हा मिला है? हाँ, गैस चूल्हा मिला। क्या उसमें गैस चूल्हा से खाना बनता है? हाँ, गैस से खाना बनता है। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं दादी, आपका नाम क्या है? दादी, ये मकान किसका है? कैसा मकान? कच्चा पक्का? कच्चा है। गिर गया है? गिर गया है। अच्छा, कैसे गिरा है? बारिश में। बारिश में गिरा है? बैठ गया ना पूरा। अच्छा, बैठ गया। तो आप लोग रहने के लिए और कोई जगह नहीं है? नहीं। पक्का मकान नहीं है? नहीं। ग्राम प्रधान द्वारा क्या बोला जा रहा है? अब देखा कुछ तो नहीं है, माने की बोला। क्या कोई जांच में आया अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं है, माने की। अच्छा, ग्राम प्रधान भी नहीं आए? नहीं। अच्छा, तो आप लोग आगे क्या उम्मीद करते हैं? अपने क्या करें, अपन पर कर भाई, खाद भाई, और का आदमी जो सोचिए। तो खाना ना किसमें बनता है? इसी मर रहा है। हां, अब पर करकट रखल है। अच्छा, देखिए हम बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और साफ-साफ देखा जा रहा है, जबकि हमारी भाजपा सरकार कहे, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि 2022 तक कोई भी कच्चा घर में नहीं रहेगा, लेकिन आप साफ साफ दिखा दे रहा है कि बरसात के मौसम में ग्रामीण किस तरह पीड़ा से कर रहे हैं। क्या इनके साथ होगी? कोई कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन उसमें रहने के लिए मजबूर। आइए कुछ हम बात फिर करते हैं। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। तो ये घर किसका कच्चा है? ये हमारे पापा का, चाचा का, सभी का है। हमारे दादा, अच्छा, चार भाई के, सभी लोगों का। अच्छा, अभी आप लोगों को पक्का मकान नहीं है? पक्का मकान नहीं। आप कौन सा काम करते हैं? हम मजदूरी काम करते हैं। दांत दिखत है। अरे आप कहाँ से हैं? एक जगह रहे हैं। हाँ दादा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुनारी ग्राम सभा पड़ता है। अच्छा, ये बताइए आप कब से लाए हैं? एक घंटा। आपकी एज कितना है? 60 के ऊपर वालों को तो अलग से लाइन लगनी चाहिए। 60 से ऊपर वालों की अलग से लाइन लगना चाहिए, उनको इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ बच्चे के यहाँ हमारा। अच्छा, मतलब यहाँ पर सब लोग लग गए, यानी बुजुर्गों के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देना। क्या आप इसका पुलिस प्रशासन से कहें कि मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है? नहीं, हम का भाई थोड़ा भाई। अच्छा, तो आप जो कोरोना वैक्सीन के आज कैंप लग रहा है, इस पर आप योगी सरकार को और मोदी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? यह हमारे खड़ा रहे 3 बार, लगी न लगी तो कब कहे ना लगे। अच्छा, हाँ, 1000 का टारगेट यहाँ रखा गया है। तो अच्छा, कोरोना वैक्सीन क्यों लग रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ बता। मुझे गड़िया मार दे। स्टार्ट। तो आपका नाम क्या है? राम। अच्छा, आप लाइन में कितना समय से? 15-20 मिनट। आपका नाम राम। तो ये बताइए आप कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, कोरोना वैक्सीन लग रहा है? हाँ, लग रही है। तो आप कितने समय से? आधा घंटा। आप आधी घंटा लगे हुए, आपकी उम्र कितनी है?
45,000 सर। कोरोना वैक्सीन क्यों लग रही है, इसलिए आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या फिर से आप योगी सरकार लाना चाहते हैं? टीवी में दिखा दे सरकार लाना चाहते हैं। नहीं का चाहिए सत्तर साल होगा लगभग। अच्छा तो आपका यहाँ आज क्या हो रहा है? पूरी सब्जी कटाते हैं। पहले एक बार बता देंगे तब ना वैक्सीन कोरोना का सुई लगा तो ना।